खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो 15 नवंबर तक का इंतजार और फिर देश के सामने होगा ये सबसे बड़ा फैसला, जिसमें 40 दिन की ऐतिहासिक सुनवाई चली, हर पक्ष को पूरा मौका दिया गया, हर पक्ष की तरफ से पूरे विस्तार से तमाम दलीलें रखी गईं। और अब जब फैसले की घड़ी सामने नजर आ रही है, तो इस समय अयोध्या की नब्ज किस तरीके से धड़कने अयोध्या में तेज हैं, वो क्या कह रही हैं, आपको सीधे लेकर चलते हैं। मेरी सहयोगी रूबिका इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रूबिका, क्या कह रहे हैं अयोध्या के लोग? देखिए रुमाना, हर किसी को इंतजार था कि आज क्या होने वाला है, क्या एक दिन और बढ़ जाएगी सुनवाई, लेकिन ये सुबह क्लियर हो चुका था। सीजेआई ने ये बात क्लियर कर दी थी कि आज हम सुनवाई को फुल स्टॉप लगा देंगे और उसके बाद फैसला लिखने के लिए भी हमें वक्त चाहिए। अब इंतजार पूरा देश, और सिर्फ पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया, वो 23 मुल्क जहां पर रामलीला का मंचन होता है, वो सब कर रहे हैं कि इस पर फैसला क्या आता है। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर कुछ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनसे मैं बातचीत शुरू करूं उससे पहले चाहती हूं कि जरा उधर की तरफ चलें। मैं कोशिश करूंगी कि वहां पहुंच जाऊं। जैसे ही ये खबर आई कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, जैसे ही ये पता चला कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब बहुत जल्दी राम मंदिर पर फैसला आने वाला है, लोग यहां जय सिया राम के नारे लगाने लगे, लोग यहां पर अपने भगवान, अपने आराध्य से प्रार्थना करने लगे। और फिर भी मैं बता देती हूं आपको कि यहां पर सीता राम लगातार इसका जाप होता रहता है, राम नाम कभी नहीं रुकता है, लेकिन तादाद में लोग यहां पर पहुंचे थे। फिलहाल देखिए वो मंदिर का मॉडल आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये पूरा जो जत्था अभी आया था वो, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि निकल चुका है रोमाना, लेकिन बावजूद इसके लोग ये कह रहे हैं कि अमूमन जितने लोग यहां पर आते हैं, ये कार्यशाला है, सॉरी मैं बताना भूल गई, मैं कार्यशाला में मौजूद हूं जहां पर लगातार पत्थरों पर नक्काशाई, पत्थरों का काम चलता रहता है। हालांकि अभी जो एक खास शख्स थे जो नक्काशाई कभी किया करते थे, वो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद कार्य को रोक दिया गया है। और ये खास मेहमान शरद जी हमारे सामने हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। शरद जी, फैसले में अभी वक्त है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, दिल की धड़कनें जो हैं वो अब सबकी बढ़ चुकी है। देखिए स्वाभाविक है, जिस प्रकार से हम 70 वर्षों से प्रतीक्षारत थे कि भगवान रामलला की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, वह प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। आज जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सुरक्षित रख लिया है, तो आने वाले दिनों में यह कोई जय पराजय का विषय नहीं बनेगा। मैं समझता हूं कि कभी पूर्वजों ने जो गलतियां की थी वह सुधर रही है और उस सुधार की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं आगे आने वाले दिनों में मंदिर निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। ब्रिज मोहन दास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि महंत है चतुर्भुजी मंदिर के। महंत जी, इंतजार आपको भी फैसले का है, पूरी अयोध्या इस वक्त उसी फैसले का इंतजार कर रही है। मैम, आज सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब फैसले का इंतजार सभी संत महंतों, हम लोग को पूर्ण उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि जो फैसला आएगा रामलला के पक्ष में आएगा, क्योंकि जितने साक्ष्य एविडेंस हम लोगों ने वहाँ प्रस्तुत किए हैं वो सब राम मंदिर के पक्ष में है। उत्खनन द्वारा, सर्वेक्षण द्वारा वहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान शिव पार्वती की मूर्ति, भगवान सूर्य की मूर्ति, तमाम सब चीज़ें मिला है जो इस साबित करता है यहाँ बहुत विशाल भव्य राम मंदिर था। इसलिए हम लोग को पूर्ण सुप्रीम कोर्ट से विश्वास है कि जो फैसला आएगा वो राम जी के पक्ष में आएगा और राम जी टेंट से बाहर होकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। देखिए महन जी जो कह रहे हैं, लंबे अरसे तक इसका इंतजार रहा है, 70 दशकों से आप देखिए देश का सबसे बड़ा मुकदमा रहा है, आपको क्या लगता है कि इस फैसले के बाद वो जो मोहब्बत है हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों की, वो और ज्यादा प्रगाढ़ होने वाली है, और ज्यादा मजबूत होने वाली है? अब वो दिन बहुत जल्दी है जब हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक जो है हम देखने वाले हैं। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, राम मंदिर निर्माण हो जाने से आप समझिए कि ये देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र मंदिर बनेगा, जिससे यहाँ के करोड़ों हिंदू और मुसलमान राम मंदिर बनाने के लिए उत्सुक है। यहाँ कुछ दिन पहले आप देखिए होंगे कि पत्थर जो है उसको सफाई करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ आए हुए थे, ये पत्थर साफ कर रहे थे। इसके पहले राष्ट्रवादी आजम खां आकर के यहाँ रामशिला पूजन करके गए, एक ट्रक ईंटा लेकर के यहाँ पर आए थे कि राम मंदिर निर्माण
निर्माण करने के लिए हम आएंगे। कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोग हो जो बनाना नहीं चाहते, इस पर दुकान चलाना चाहते हैं, तो अब ये समझिए अमन चैन होगा देश में। एक बहुत ही शानदार चीज, अमन चैन होगा इस देश में और उस पल का इंतजार हर कोई कर रहा है। कार्यशाला से एबीपी न्यूज लगातार अपनी खास पेशकश जारी रखेगा। ये ऐतिहासिक पल भी है क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है सबसे बड़े मुकदमे के, सबसे बड़े फैसले का।